भारतीय जनता पार्टी का ये सातवां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब सातवां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल $1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी।